क्लास फोर लेसन थ्री रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसमें हमने देखा था रिप्रोडक्शन टॉपिक को देखा था, साथ ही साथ देखा था कि एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला ग्रुप में ऐसे जानवर थे जो क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं यानी अपनी संतान पैदा करते हैं, और दूसरे में ऐसे जानवर थे जो अंडे देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम देखे थे अंडे के स्ट्रक्चर के बारे में कि अंडे की संरचना कैसी होती है, ठीक है। आज हम कुछ बर्ड के बारे में देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बर्ड के बारे में। वी ऑलरेडी नो डैट बर्ड लेज एग इन नेस्ट एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वॉर्म। हम ये पहले से ही जानते हैं कि पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। उसके बाद उस अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्म करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम एग हैच एंड बेबी बर्ड कम आउट। कुछ समय बाद जब वो अंडा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होने लगता है, उसमें से जो बेबी बर्ड होता है, ठीक है, इस एडल्ट बर्ड का जो बेबी होता है वो उसमें से बाहर आने लगता है। बट विद इन द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। लेकिन क्या होता है, उस अंडे के अंदर उस बच्चे को कई सारे स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है उसको उसमें से बाहर निकलने से पहले। ये वही स्टेज ये बनाया हुआ है सर्कल, ठीक है, यही लाइफ साइकिल जो बनाया हुआ है बर्ड का, यही शो कर रहा है कि उसको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है। जैसे ये एडल्ट बर्ड है, इसने क्या किया, एग दिया, ठीक है। इस एग को क्या किया, उसने हैच किया, मतलब उसके ऊपर बैठ के उसको गर्म किया, तो उसमें धीरे धीरे क्या बनने लगा, देखिए द एग स्टार्ट डेवलपिंग, तो ये एग धीरे धीरे डेवलप होने लगा, ठीक है, ग्रो करने लगा, उसमें उसका बेबी ग्रो करने लगा। फिर देखिए, फिर ये धीरे धीरे द एम्ब्रियो डेवलप्स फुली, फिर उसका बेबी उस अंडे के अंदर क्या हुआ, और डेवलप कर गया, ठीक है। जब वो अच्छे से डेवलप्ड हो गया तो अंडा फूट गया और उसका बेबी उसमें से निकल आया, फिर वो बड़ा होकर क्या तैयार हो गया, एडल्ट बर्ड तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये बर्ड का लाइफ साइकिल है, ठीक है, और ये लगातार चलता रहता है, ठीक। तो आज हमने बर्ड के लाइफ साइकिल के बारे में देखा, इसके बाद हम देखेंगे एम्फीबियंस की लाइफ साइकिल के बारे में। एम्फीबियंस कैसे जानवर को कहा जाता है, ऐसे जानवर जो पानी में भी जीवित रहते हैं, ठीक है, मतलब पानी में भी वो रहते हैं और साथ ही साथ वह ज़मीन पर भी रहते हैं। ऐसे रहने वाले सभी जानवरों को हम एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।